जय महाकाली, जय माँ कामवेख्या। आप लोग कैसे मित्र, आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल सही स्वस्थ होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही खास उपाय लेके हुई, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं शुक्कर मणि। शुक्कर मणि मछली की सर के ऊपर ये मणि होती है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम पे जो मछली निकली थी बहुत ही शक्तिशाली थी, उसमें ये मणि प्राप्त हुई थी। इससे बहुत ही ज़्यादा ऐसे बहुमूल्य है ये, और इसमें इतनी शक्ति है, ये किसी भी काम में मतलब धन की प्राप्ति के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इससे कैसे धन आप प्राप्त कर सकते हैं, ये किस किस काम आती है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आप ध्यान से सुनना, वीडियो को स्क्रिप बिल्कुल भी मत करना। अगर आप कहीं पे भी धन का इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी को लेके, या आप जुआ सट्टा लॉटरी मटका या तीन पत्ती का खेल में भी अगर आप पैसा लगाते हैं, तब भी ये जिताने में आपको फ़ायदा करेगा, लाभ देगा। तो शुक्र मणि कैसे सिद्ध करनी है, किस दिन आपको धारण करनी है, कैसे ये वर्क करेगी, कैसे आप इससे लाभ उठा सकते हैं, कैसे आप इसे जुए सट्टे और लॉटरी मटका में लगाते हैं जो पैसा, उस टाइम पे ये कैसे पहने और इसके लाभ और बेनिफिट्स क्या हैं, तो आज ऐसे ही कुछ आपको मैं उपाय बताने वाली हूँ। तो आपने करना क्या है, जैसे कि शुक्र मणि आपके पास हो, तो जैसे कि नवरात्रि का टाइम आ रहा है, नवरात्रि के टाइम इसे सिद्ध कर लेना है। सिद्ध करने का टाइम बता देती हूँ, या तो आप पहले नवरात्रि का टाइम करें, या तो सातवें नवरात्रि पे करना, या बिल्कुल अष्टमी वाले दिन आपने इसको रात्रि के समय आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। और अगर आप पैसा किसी भी चीज़ में जैसे लगा रहे हैं और बार बार आपका भाग्य एकदम दुर्भाग्य में बदल जाता है, आपका पैसा आप लगाते हैं और हार जाते हैं, चाहे मटका में लगा रहे हैं, जुए में लगा रहे हैं, सट्टे में लगा रहे हैं, या आप कोई भी प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं और प्रॉपर्टी बहुत घाटे पे चली जाती है, आपका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता, या आप किसी बिजनेस में लगा रहे हैं और आपको बिल्कुल भी लाभ धन नहीं हो पा रहा, तो आप ऐसे में शुक्र मणि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बहुत ज़्यादा ये शक्तिशाली है, अपने आप में इतनी आकर्षण करती है ये, दूसरे सामने वाले का भाग्य भी आपके लिए लक साबित करेगा और आपका भाग्य इतना खोल देगा कि आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। तो आपने कैसे करना है, पहली नवरात्रि के समय नहा धो के पूजा पाठ, जैसे नव दुर्गों की पूजा आ रही है और नवरात्रि में, आपने पहले दिन पूजा पाठ माता रानी की कर लेनी है, उसी टाइम ही इस मणि को ले आएँ। मणि को ला के आपने माँ के समीप आपने कैसे रखना है, एक लाल कपड़े के ऊपर रख देना, जैसे मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद आप इसे धूप दीप दिखाएं और इसे गंगा जल छिड़क दें, या गंगा जल से धो लें, या कच्चे दूध में इसको धो लें। तो जैसे कच्चा दूध ले लिया, गंगा जल ले लिया, उसके अंदर ये इस मणि को छोड़ देना है उस कटोरी में। उसके बाद आपने लाल कपड़े, जैसे लाल कपड़ा बिछा रखा है माता रानी के आगे, आपने उसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद दीप धूप दिखा लें, इसमें आप थोड़ा सा इत्र गुलाब इत्र जो आता है, महंगे से महंगा इत्र लेके आना, सस्ता इत्र बिल्कुल भी यूज़ मत करना, जो कि पूजा की दुकान पे मिलता है वो कामयाब नहीं होगा। तो इसलिए अच्छा सा गुलाब का एक इत्र ले आए, शाही गुलाब वगैरह का इत्र ला के उसमें एक बूंद आपने उस कटोरी में इत्र भी मिला देना। उसके बाद शुक्र मणि को उसमें रख दिया, तीनों चीज़ मिला के, गुलाब का इत्र और आपने गंगा जल और कच्चा दूध, गाय का देसी कच्चा दूध जो आता है वो मिला के, और उसके बाद इसमें रख दें। उसके बाद आपने शुक्र का मंत्र बोलना है। मंत्र मैं आपको बता देती हूँ, मंत्र आपने क्या करना है, ना भी आपको कोई मंत्र है, या तो गायत्री मंत्र करना है, या तो फिर माँ लक्ष्मी का मंत्र करना है आपने, जैसे कि धन प्रदाये नमो नमः, धन प्रदाये नमो नमः, इस तरीके से मंत्र का उच्चारण करना है। इस पे 125,000 बारी आपने मंत्र का उच्चारण कर लेना है। जब आप इसे बैठे तो सुबह नहा धो के माता रानी की पूजा पाठ करके उसी टाइम बैठ जाएं। 125,000 जब तक आपके मंत्र का उच्चारण ना हो जाए, ये सिद्ध ना हो जाए, कहने का मतलब ये कि सिद्ध जब तक ना हो जाए आप सारे मंत्र करना। उसके बाद आप इसको एक पैंडल बनवा लेना चांदी में करके, फिर उसके बाद आप इसे बिल्कुल लाल धागे में बांध कर अपने गले में धारण कर लेना। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप चाहे प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं, या आपके कहीं
कहीं नौकरी कर रहे हैं वहाँ तरक्की नहीं हो रही, तरक्की होने लगेगी। कोई बिजनेस कर रहे हैं ग्राहक नहीं आ रहे, एकदम आप देखेंगे ग्राहक आने लगेंगे, आपका बिजनेस एकदम तरक्की में जाने लगेगा। और अगर आप जुआ सट्टा लॉटरी मटका जो भी आप खेलते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, इन सभी चीज़ों में रात दुगना चौगनी आपको एकदम प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धन के जितने भी स्रोत होंगे एकदम खुल जाएंगे, एकदम दो गुना तीन गुना हज़ार गुना करीब ऐसा पैसा जुड़ना शुरू हो जाएगा अगर आप इसको शुक्र मणि को पहन लेते हैं तो। और आपने नवरात्रि के टाइम पे ही इसे सिद्ध कर लेना है, या तो फिर होली के दिन पे करना था तो होली तो निकल गई है, नवरात्रि के दिन करें, फर्स्ट दिन या तो सातवें दिन या तो आठवें दिन आपने उस रात्रि को इसको शुक्र मणि को सिद्ध करना है, या तो फिर ये दिवाली के टाइम होती है, अगर ये टाइम निकल गया तो फिर दीपावली पर आपने इसको सिद्ध करना है। इसलिए आपको कह रही हूँ कि आप इसे नवरात्रि पे ही सिद्ध करें, इसका एक तावीज़ सा बना लें, बनवा के उसके बाद आप लाल रंग के धागे में इसको पहन लें। ऐसा करने से आप किसी भी चीज़ में पैसा लगाएंगे एकदम ही आपको हज़ार गुना उसका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। शुक्र मणि अपने आप में बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली होती है, इससे माता लक्ष्मी भी बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, साक्षात माता लक्ष्मी इसमें वास करती हैं, क्योंकि ये श्री हरि विष्णु भगवान ने जब कभी मछली का रूप धारण किया था उस टाइम मणि उसी टाइम ही निकली थी, और तब से इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। पौराणिक टाइम पे इसे बहुत ज़्यादा माना गया है, इससे माता लक्ष्मी भी बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और घर में धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। तो ये उपाय कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगर अच्छा लगा सामने वाला भी, अगर आप इसको पहनते तो सामने वाले की किस्मत भी जो होगी वो आपके अनुकूल हो जाएगी, और आप इतना पैसा जीतना शुरू कर देंगे, चाहे जुए में हो, चाहे सट्टे में हो, चाहे लॉटरी में हो, या मटके में हो, जिस भी चीज़ में आप पैसा लगाते हैं, या प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें भी फ़ायदा होगा, बिजनेस कोई करते हैं उसमें भी फ़ायदा होगा, नौकरी में अगर तरक्की नहीं हो रही तो उसमें भी आपको लाभ होने लगेगा। तो इस तरीके से शुक्र मणि का कामयाब नुस्खा है जो कि आप कर सकते हैं, आजमाया हुआ है, बहुत से मैंने ऐसे तावीज़ बना के दिए जो कि सभी को फ़ायदा होता है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो डाल दूँ आप लोगों के लिए भी, कि जो जुए सट्टे में लॉटरी में इनमें पैसा लगाते हैं तीन पत्ती पे, तो उनको भी फ़ायदा हो। तो ये तावीज़ पहनकर अपना लक अपने अनुकूल करें और अपना धनलक्ष्मी की प्राप्ति करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय महाकाली, जय माँ कामाख्या।